माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, मज़े से हूँ। हरीम शाह के बारे में आपने सुना होगा, शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो हरीम शाह को नहीं जानता, क्योंकि आए दिन सियासी शख्सियात के साथ इनका कोई ना कोई स्कैंडल जो है मंजर-ए-आम पर आता ही रहता है। इतनी बेबाक लड़की मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी, जो किसी से भी नहीं डरती है और ऐसे ऐसे पंगे लेती है और ऐसे ऐसे काम कर जाती है जिन्हें समझ नहीं आती कि इंसान जो है उसकी तारीफ करे या फिर उस पर उनको शर्मिंदा करे। लेकिन उनका कहना क्या है इस बारे में आज इसी हवाले से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं चैनल पर, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में एक प्रोग्राम में हरीम शाह ने शिरकत की और जनाब उनसे जब पूछा गया सवाल कि क्या आपको कभी जिंसी तौर पर हरासा किया गया, तो अब आप कॉमन सेंस की बात है कि जो लड़की इतनी बेबाक हो और इतनी बोल्ड लेवल पे, वो अब आप समझ सकते हैं। इवन मैंने उनको कई दफ़ा टिकटॉक पे भी लाइव आते देखा है और मैंने उनकी एक दो वीडियोस जो है वो सेव भी की हैं, बहुत ही गंदी गुफ्तगू कर दी हैं। और ऐसी लड़की दूसरों के बारे में आपको बताना चाहती है कि वो कैसे हैं, आप खुद ही सोच लीजिए। खैर उन्होंने कहा कि जी हाँ मुझे जिंसी तौर पर कई दफ़ा हरासा किया गया, और यकीन कीजिए कि बदले में जब मैंने उनका नुकसान किया उन शख्सियात का, तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने किन किन शख्सियात का नुकसान किया। उन शख्सियात को कभी अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि ये लड़की कहाँ से आई और कहाँ को चली गई, क्योंकि मैं उनका तब तक इतना नुकसान कर चुकी होती थी कि फिर दोबारा वो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहते थे। इसका मकसद हरीम शाह का कहना है कि हरगिज ये नहीं था कि मैं पैसे की लालच में ये सब कुछ करती थी, क्योंकि पैसे की आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास कोई कमी नहीं है, बल्कि इसका मकसद मेरे नज़दीक फेम हो सकता है। लेकिन उनका क्या कहना जनाब? उनका कहना है कि जनाब मैं सिर्फ लोगों की, अवाम की आंखें खोलना चाहती थी और उनको बताना चाहती थी कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये किस तरह के लोग हैं। लेकिन हैरत की बात है कि हरीम शाह ने कभी अपने बारे में नहीं बताया किसी को कुछ भी कि वो क्या है। खैर ये तो एक बात थी। उसके बाद जनाब उनसे दूसरा सवाल किया गया मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, कि आपने देखा ही कि कई दफ़ा उनको पैसे मुंतकिल करते हुए और इस तरह से इस तरह के केसेस में देखा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि हाँ मैं इस चीज़ का एतराफ़ करती हूँ कि वो पैसे मेरे नहीं थे, किसी और शख्सियत के थे जो मेरे थ्रू बाहर पहुँचाना जाते थे, और जो शख्सियात मशहूर होती हैं उनके लिए ये बहुत आसान काम होता है कि पैसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। मैं जानती हूँ ये गलत है, लेकिन क्योंकि ऐसी शख्सियात जो फेमस होती हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, तो उनका कहना था कि जी शायद उन्हें भी किसी ने इस्तेमाल किया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि इसमें पाकिस्तान का इदारा जो है FIA वो खुद इन्वॉल्व है, वो खुद मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, वो खुद यहाँ से पैसे वहाँ मुंतकिल गैर तरीके से, गैर कानूनी तरीके से करते हैं। तो मैंने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। तो जनाब ये था हरीम शाह का कहना, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं आपने मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे नए एक्साइटेड वीडियोज़ के साथ। ये अपनी होस्ट मुअत्तर को दो इजाज़त, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।